बेसिकली क्या होता है, इसके ऊपर कई तरह की रिसर्चेस हुई है और बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि आपका अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है ना तो बहुत ही आसान है। उसके लिए हमको क्या करना है कि ये देखना है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम किन 5 लोगों के साथ में स्पेंड करते हो। दैट विल डिसाइड कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो या किस लेवल पे जाने वाले हो। अगर वो 5 लोग ऐसे हैं जिनको अपनी लाइफ से कुछ करना नहीं है तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आप भी उन्हीं के रंग में रंग हो जाओगे। और अगर वो 5 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं, जिनको आप ही की फील्ड में या किसी अलग फील्ड में या कहीं पर भी बेसिकली उनका जो एटीट्यूड है दैट इज ऑफ ग्रोथ, उनका जो एटीट्यूड है वो ये है कि हमको ग्रो करते रहना है लाइफ में, हमको आगे बढ़ना है, हमको कुछ अचीव करना है, तो आप भी उन्हीं के जैसे बनने लग जाओगे धीरे धीरे ना चाहते हुए भी। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे चूज करें कि हम किसके साथ में रहेंगे और किसके साथ में नहीं रहेंगे। बिकॉज द चैलेंज हियर इज कि हो सकता है आप तो किसी के साथ में रहना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ में, लेकिन वो आपके साथ में नहीं रहना चाहता या वो आपकी अप्रोच से बहुत दूर है। मान लेते हैं आप इलॉन मस्क के साथ में अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बट उनके पास में टाइम नहीं है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अब क्या करें। पहले के जमाने में ये बहुत मुश्किल था बट आज की डेट में बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है। अभी आप मेरे साथ में बात कर रहे हो, हम वर्चुअली कनेक्टेड है, चाहे हम वर्चुअली बात कर रहे हैं चाहे फेस टू फेस यहां पर बैठ करके बात कर रहे हैं, उसमें फर्क क्या है? देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चूज करिए इन 5 लोगों को जिनके साथ में आप अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कैसे चूज करेंगे? उनके साथ में आप यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये नहीं होता कि उनके साथ में बैठ करके बात कर। बेसिकली हम लोगों की प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही बाइनरी है, यानी हम लेफ्ट और राइट बस ऐसे ही सोचते हैं। जो मैंने बात करी ना कि ये 5 लोग कौन है, ये 5 लोग वो नहीं है जो आपके साथ में है। ये 5 लोग कौन है? जिनकी आप बुक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि जो आपको अचीव करना है वो दूर दूर तक उससे मैच नहीं होता है जो आपके 5 दोस्त हैं। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ ढंग का करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना चाहते हो, तभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हो, नहीं तो ये क्वेश्चन पूछते ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले ही लोग बहुत कम है दुनिया में। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि भाई कहीं से थोड़ी सी सिक्योरिटी मिल जाए, थोड़ा सा कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए कि बस हमारा लाइफ सेट हो जाए। तो अगर आपका माइंडसेट है एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि मेरे को आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तो ऐसा माइंडसेट बहुत ही कम लोगों का होता है। मेरे जितने भी दोस्त थे उसमें से मुझे नहीं याद एक भी ऐसा दोस्त जिसका मेरे जैसा माइंडसेट था। तो अब सवाल उठता है, उस वक्त जब यूट्यूब भी नहीं था तब मैंने अपना माइंडसेट ऐसे कैसे बनाया? बुक्स पढ़ के। पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ी मैंने और समझने की कोशिश करी कि वो लोग जो एक अच्छे लेवल पर हैं लाइफ में उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है। इस तरह से आगे बढ़ना होता है लाइफ में, यानी आपको उन लोगों का माइंडसेट समझना है जो एक्चुअल में लाइफ में एक पर्टिकुलर लेवल पर हैं। तो अब दोस्त क्यों जरूरी है, दोस्तों की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में? क्वालिटी ऑफ वर्क को सस्टेन करने के लिए बीच में रेस्ट चाहिए होता है, बीच में दोस्त चाहिए होते हैं, फैमिली चाहिए होती है, अगर गर्लफ्रेंड है तो बहुत अच्छा है, गर्लफ्रेंड चाहिए होती है जिसके साथ में आप बात कर सको किसी अलग टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपके साथ में इस तरीके से बात कर रहा हूं, आपको क्या लगता है घर में भी मैं जब अपनी वाइफ के साथ में होता हूं ऐसे बात करता हूं? आप समझ रहे हो? तो घर में मैं क्या करता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, सुनता हूं, यहां पे बोल देता हूं थोड़ा बहुत, तो बैलेंस हो गया ना। इस तरह से लाइफ को बैलेंस करना होता है कि बोलना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है, सीखना भी जरूरी है और सीखने के बीच में रेस्ट देना भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, पार्टी भी जरूरी है। पार्टी मतलब क्या? सेलिब्रेशन। लाइफ में अपने गोल्स की तरफ भागना भी जरूरी है तो रुकना भी तो जरूरी है ना, ठहरना भी तो जरूरी है। जो सिर्फ भागता ही रहेगा वो तो थक जाएगा, थक करके गिर जाएगा। तो भागना भी जरूरी है, रुकना भी जरूरी है, रेस्ट भी जरूरी है, जागना भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है। लोग कैसे सोचते हैं? आइदर और। अब मुझे ये करना है तो क्या मैं ये छोड़ दूं? अरे भाई साहब, छोड़ने की जरूरत नहीं है। बैलेंस करो हर चीज को, देखो हर एक की इंपॉर्टेंस क्या क्या है अपनी लाइफ में। दोस्त किस लिए है? टाइम पास के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, या फिर पार्टी के लिए, या अगर कोई एक्चुअल में आपका अच्छा दोस्त है तो वो दोस्त किस लिए है? ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो आपके साथ में खड़ा है और जब उसको जरूरत हो तो आप उसके साथ में खड़े हो, एक सपोर्ट के लिए, एक अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए। बट ऐसी दोस्ती बहुत कम होती है दुनिया में।